फ्रॉम होम का कल्चर है। भले ही ये सेटअप परमानेंट नहीं है, बट फिर भी आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग काफ़ी सालों से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। आप ऑफिस में काम करो या आप घर से काम करो, आपका डेस्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप काम करते हो मैक्सिमम एनर्जी आपको आपके डेस्क से मिलती है। तो वास्तुशास्त्र में ऐसे कोई इजी टिप्स एंड रेमेडीज है जिसे यूज़ करके आप आपके ऑफिस का डेस्क सेटअप कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल है। नमस्कार, मैं तेजसा, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, पिनाकल वास्तु, मुंबई, आज आपके लिए यही कुछ इजी टिप्स एंड रेमेडीज लेके आई हूँ। तो आज की पहली टिप ये है कि आप जब भी आपका डेस्क सेटअप करें, मेक श्योर करें कि आप जब डेस्क पे बैठे आपका फेस टूवर्ड ईस्ट होना चाहिए, अगर नहीं है तो टूवर्ड्स नॉर्थ होना चाहिए। ये दो डायरेक्शन बहुत ही ऑस्पिशियस माने गए हैं। यहाँ से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है और आपके सोशल कनेक्शन भी बेहतरीन होते हैं। आपका जो डेस्क है उसका मटेरियल भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोशिश कीजिए कि आयरन का मटेरियल का डेस्क या ग्लास का मटेरियल का डेस्क आप हो सके तो अवॉइड कीजिए। वुडन डेस्क आपके एनर्जीज को कॉम्प्लीमेंट करता है, तो जितना हो सके वुडन का मटेरियल का डेस्क जो है आप यूज़ कर सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कई सारे लोग वुडन का डेस्क तो रख देते हैं पर उसके ऊपर ग्लास रख देते हैं, फिर उसके नीचे वो विजिटिंग कार्ड्स रखना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप ग्लास रखते भी हैं तो उसके नीचे विजिटिंग कार्ड्स मत रखिए, क्योंकि वो क्लटर्ड दिखता है और क्लटर्ड अगर डेस्क दिखेगा तो आपका माइंड क्लटर हो जाएगा और आप एक सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। और दूसरी चीज़ है, ये आपके स्पेस एलिमेंट को भी दूषित करता है। तो जितना हो सके ग्लास रखिए नहीं, अगर ग्लास रखते हैं तो जो विजिटिंग कार्ड्स है वो विजिटिंग फोल्डर में रख दीजिए। तीसरी चीज़ ये है कि आप आपके डेस्क पे बाम्बू प्लांट रख सकते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और आखिरी चीज़ है कि आपके चेयर के पीछे एक सॉलिड वॉल होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सॉलिड वॉल एक सपोर्ट को रिप्रेजेंट करती है। आप आपके चेयर के पीछे भी कुशन रख सकते हैं और उसका जो कुशन कवर है उसमें कोई भी एक होली सिंबल जिसे आप प्रिंट करके उसका कुशन कवर बना के अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो भी वो आपके बैक को या आपको काम करते समय बहुत ही सपोर्ट देगा। तो ये थे कुछ इजी टिप्स एंड रेमेडीज़, आप ये ज़रूर अप्लाई कीजिए और मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूँगी कुछ ऐसी इजी टिप्स एंड रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।